हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम सब इधर रनिंग के लिए आए हैं। पहले नहीं जाते थे, लेकिन चिराग भाई अक्सर जा रहे थे तो वो बोल रहे थे कि तुम भी चलो, तो हम भी आज तो जा रहे हैं रनिंग के लिए। रनिंग ग्राउंड पे क्या है कि भीड़ भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा हो रहा है कि ज़्यादा लोग होते नहीं इतनी सुबह सुबह। होते हैं तो कहीं पे होते हैं, सभी जगह पे नहीं होते, और इधर तो होते हैं। लेकिन आपको दिखाऊंगा कि कितनी पब्लिक होती है यहाँ दौड़ने के लिए। ये सभी मेरे साथ आ गए हैं। कहीं गए चिराग भाई? आई आई चिराग भाई आएगा तो ग्राउंड पे जाके मिलते हैं। चलो हमारे बड़े गुरुजी सिखा रहे हैं किस तरह एक्सरसाइज करते हैं रनिंग के पहले, वही सब हम स्टूडेंट देख रहे हैं। बहुत फीस ले रहे हैं ये गुरुजी, लेकिन महंगे हैं थोड़े। बच्चों को ऐसा नहीं सोचते कि फ्री में सिखाऊंगा, पैसों की ही बात करते हैं। मैंने जिस तरह बताया था, हम ग्राउंड पे आ चुके हैं और पूरी तरह आप देख सकते हैं इधर पीछे देखिए, बहुत सारे लोग रनिंग के रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्या है कि GPSC वाला होता है, तो क्या रनिंग के लिए ज़्यादा पुलिस वाले और सब आते हैं। तो चलो हम भी दौड़ने के लिए चढ़ते हैं रनिंग के लिए। ले ला फोन तुम्हारा, देखिए बुरी तरह बहुत सारे लोग इधर दौड़ते रहते हैं। हम भी आप दौड़ेंगे, ठीक है? चलो रनिंग करते हैं। अभी 7:30 बजे है तो बहुत पब्लिक हो गई है यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैं हॉस्टल पे बैठा हुआ था, तभी मुझ पे टीट का कॉल आया कि भाई गार्डन में आया हुआ हूँ तो आ जा। उनका क्या NCC का रहता है ना, तो वो आते हैं कभी कभी, तो अभी मिलते हैं। क्योंकि वो रहते हैं देहगाम और सीधा इधर से गांधीनगर से कितना 30 किलोमीटर पड़ता है, तो वो अभी आया तो उसे मिलने जाते हैं। वहाँ जाके उनसे बात करते हैं। आपको भी मिला था हूँ उनसे। ये आप देख सकते हैं गांधीनगर में हरियाली तो काफ़ी है, ग्रीनरी है, इसलिए तो ग्रीन सिटी बोलते हैं। लेकिन क्या है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अहमदाबाद से ज़्यादा गर्मी गांधीनगर में पड़ती है। लेकिन अच्छा है, गांधीनगर में ठंडा पवन भी आता है। जब शाम को निकलते हैं ना तो क्या होता है कि इवनिंग वॉक में ज़्यादा लोग निकलते हैं, तो निकलते हैं ना तो अच्छा लगता है। हम भी कल निकले थे, चाय पीने गए थे तो घूम रहे थे, फिर वहाँ से आ गए थे। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से सीधा दिख नहीं रहा था, रुकिए आगे जाके बताता हूँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। ये रही, ये है ना, ये आर्ट्स कॉलेज है। आर्ट्स तो पीछे है, ये कॉमर्स कॉलेज है। और ये कॉमर्स कॉलेज जो है उसके बाजू में हमारी साइंस कॉलेज है। दोनों के ग्राउंड भी क्या एक ही है, बड़ा ग्राउंड है। जो मैं आज सुबह है ना, हम जो रनिंग के लिए नहीं गए थे वही ग्राउंड था वो भी। और इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए रास्ता भी बंद है, चलते चलते जाना पड़ेगा। मतलब वैसे ही मैं चल ही रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब कि चलते चलते जाएंगे तो जा सकेंगे, क्योंकि गाड़ी होती तो नहीं जा पाते। ये कॉलेज, कॉमर्स आर्ट्स ही आ रहा है, कॉमर्स कॉलेज। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि मैं अभी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, डीट का कॉल आया था, तो अभी हम आ चुके हैं। ये डीट नाम हूँ तो नाम भूल गया। अरे एक काम कर, रिस्की जी आ रही है। हूँ राहुल ने, हाँ राहुल, मेरी कॉलेज गवर्नमेंट साइंस कॉलेज अभी तो बंद है, चालू नहीं, पता नहीं कब होगी, जब होगी तब आएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह है। देखो मैं, हाँ, तो ये पूरा जो है वो स्वर्णिम पार्क है, काफ़ी लंबा किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कॉलेज के बाद आके इधर ही बैठते हैं सब, भूल भुलैया है कुछ, पता नहीं क्या है, बैठने के लिए है। अच्छा, और ये कॉलेज अपनी गवर्नमेंट अच्छी है वैसे तो, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं की है अभी। और दूसरा क्या है कि इसमें घूमने का बैठने के लिए अच्छा
शाम को अच्छा लगता है, वो सामने दिख रहा है ना, ये मैंने जूम किया वो, तो वो क्या है, वो महात्मा मंदिर है। सारी जो मीटिंग होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या महात्मा मंदिर ही होती है, विजय रूपाणी और सबकी होती है ना, शिक्षा मंत्री और महात्मा मंदिर ज़्यादा होते हैं। उसके पीछे ना वो होटल है कोई, पता नहीं नाम तो, लेकिन अच्छी है। हाँ तो चलो अब हम, ये भाई बैठे हैं, आप भाई का नाम क्या है, आपका नाम जयेंद्र, जयेंद्र सिंह जाडेजा, और ये पढ़ाई कर रहे हैं कुछ, किसके बारे में कर रहे हैं पढ़ाई? जीपीएससी एस्पिरेंट है अपनी तरह, अपने तरह थोड़ी देर अभी नहीं तैयारी करनी है, बीएससी के बाद ही करनी है, लेकिन ये अभी से कर रहे हैं। कोचिंग भी वर्ल्ड इन बॉक्स में जा रहे हैं, हाँ वर्ल्ड इन बॉक्स में जा रहे हैं कोचिंग, उसका अच्छा है पर लगता है, सब बोलते हैं कि अच्छे कोचिंग देते हैं, वो है राजस्व है लिबर्टी है क्या, वे भी जा रहे हैं वर्ल्ड इन बॉक्स में। किसकी क्लास की? क्लास वन? हाँ क्लास वन, क्लास वन, क्लास वन के लिए कर रहे। अच्छा तो ठीक है, करिए आप, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको, और ऑल द बेस्ट, आपका क्लास वन में लग जाए, और मेरी चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर देना। ओके। आपको ही बोल रहा हूँ कि आप भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ। और શાંતિ બેઠો હોય ये सब एनसीसी वाले हैं, इसलिए परेड वर्ड कुछ कर रहे हैं, पता नहीं, हमने तो किया था लेकिन क्या टेंट में किया था, अभी किया नहीं है, तो इसमें सिर्फ जुड़े हैं, एनसीसी में कुछ किया नहीं है वैसे तो। और ये दोनों एनसीसी में है तो कुछ कर रहे थे परेड या कुछ को बोला था। तो ये रही हमारी साइंस कॉलेज, ये एंट्री गेट है, इधर से हम इधर से दूसरे रास्ते से आए, और ये कॉलेज हमारी पूरी, ये इधर माइक्रोबायोलॉजी लैब सब है, इधर हमारे क्लास वो लास्ट बिल्डिंग है ना वहाँ है, और यहाँ पे एडमिन और सब है। अच्छी है वैसे तो कॉलेज, देख। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तो रात हो चुकी है, 11:15 बज चुके हैं, अभी सो जाने वाला है जल्दी, क्योंकि कल सुबह उठ के रनिंग के लिए भी जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मैंने जो व्लॉग बनाया था वो तीसरा वाला, वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख लेना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और कमेंट में जो आपको लगे वो कर देना, कि क्या है, अच्छा है वीडियो, बुरा है, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है। और मैंने इंस्टा आईडी भी दी है, मुझे डायरेक्ट भी मैसेज करते और मुझे फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पर। और चलो, और तो कुछ नहीं है, कल जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, चलो। Good night everyone, bye.